जोहार। पांचवा झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय 14वें सत्र के आज अंतिम कार्य दिवस रहे। 2 दिवसीय ई विशेष सत्र के पहले दिन के बैठक के शुरुआत माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हलय। आज उ अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, वाद विवाद और सरकार के उत्तर और मतदान के दिन रहे। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पे धन्यवाद के प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री स्टीफन मरांडी द्वारा राखल गेलय, जकर समर्थन माननीय सदस्य श्रीमती दीपिका पांडे सिंह के द्वारा कियल गेलय। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मरांडी से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसका समर्थन माननीय सदस्य श्रीमती दीपिका पांडे सिंह करेगी। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदस्यगण माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं माननीय प्रोफेसर स्टीफन मरांडी सभी सर द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत भी माननीय सदस्य श्री स्टीफन मरांडी जी के द्वारा कियल गेलय। हमारी जो प्रक्रिया थी इसको कुचलने का काम किया गया है। आज शिबू सोरेन का आंदोलन से आज आदिवासियों के मुंह में बोली आया, एक संगठन तैयार हुआ और एक जमीनी पकड़ उन्होंने किया है। इकर अलावा चर्चा में माननीय सदस्य श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, माननीय सदस्य श्री सुदीव्य कुमार, श्री बिरिंची नारायण, श्री इरफान अंसारी, श्री लंबोदर महतो, श्री प्रदीप यादव, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री सरयू राय, श्री दीपक बिरुआ और श्री भानु प्रताप शाही हिस्सा लियल थी। इनकी हालत ऐसी हो गई है कि तमाम जो चुने हुए विधायक हैं, उनको ना चेहरा बना करके बाबूलाल जी को बाहर से ला करके दूसरी पार्टी से ला करके जिन्होंने पानी पी पी कर भाजपा को गाली दिया, कुतुब मीनार से कूदने की बात की, वैसे लोगों के सामने इन्हें झुकना और बैठना पड़ रहा है। बड़ी विपरीत और विशेष परिस्थितियों में यह सत्र आहूत किया गया। 4 वर्षों के दरमियान सामान्य तौर पर बजट सत्र में ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की परंपरा रही है, लेकिन यह कौन सी परिस्थितियां निर्मित हुई, किस राज्य को, इस विधानसभा को साल के शुरुआत में ही एक विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले लोग, प्रकृति और संस्कृति की रक्षा करने वाले लोग जब सत्ता में आए तो क्या किया महोदय, जल जंगल जमीन के साथ अन्याय किया, प्रकृति के साथ अन्याय किया, संस्कृति के साथ अन्याय किया। सुदीप भाई बोल रहे थे बाहरी लोग, पंकज मिश्रा कौन है महोदय? कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि 8.5 एकड़ जमीन की बात की कि कोई अगर साबित कर दे यहाँ तो मैं झारखंड छोड़ दूंगा। भगवान न करे आपको झारखंड छोड़ने की आवश्यकता पड़े महोदय, आखिर इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण क्यों हुआ महोदय? 10-10 नोटिस जाता ईडी का महोदय, ईडी 10-10 नोटिस करता है, काश पहले नोटिस में आप आ जाते, किसी प्रकार की वापो की स्थिति नहीं रहती, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करते महोदय। कि हमें साउथ इंडियन से कोई नफरत नहीं है, हम साउथ इंडियन जाते हैं महोदय, वहाँ का कल्चर को हम पसंद करते हैं, वहाँ के लोगों को हम पसंद करते हैं, वहाँ का रहन सहन खान पीन हम सब कुछ पसंद करते हैं महोदय। तो आखिर ऐसा क्या है महोदय कि हमारे जो राज्यपाल हैं उनको झारखंडी लोग पसंद नहीं है, उनको आदिवासी पसंद नहीं है, यहाँ के मूलवासी उनको पसंद नहीं है महोदय? कि राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार का दस्तावेज होता है, सरकार की नीतियों का आईना होता है, और जब माननीय राज्यपाल उसको पढ़ रहे थे तो मंत्रीगण को छोड़कर पूरा सत्ता पक्ष खड़ा था और अपनी बातें कह रहा था, जिसके कारण से बढ़िया से उनका अभिभाषण सुनाई नहीं पड़ रहा था, एक भी डमना है। और विपक्ष को जिसको आलोचना करना चाहिए वह विपक्ष भी आलोचना का स्वर उतना तेजी से उस अभिभाषण के प्रति नहीं कर रहा है, तो ये समझ में नहीं आता है कि जो सदन है इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष की भूमिका कैसी है। खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ से, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं
उन्होंने अपने हाथ से लिखा है कि मुझे 5 बजे सूचना दे दी गई ईडी के द्वारा गिरफ्तार हो जाने की। मैं तब घर पर था। अब ईडी ने गिरफ्तार की सूचना दी, उसी कस्टडी में थे। वहां से निकलकर ईडी के मना करने के बाद भी राजभवन गए, वहां इस्तीफा दिया, और इसमें लिखा है कि स्वेच्छा से मैंने इस्तीफा दिया। ये उनके हस्तलिखित हस्ताक्षर में है। अब स्वेच्छा से वहां इस्तीफा दिया, वहां उन्होंने ईडी के कस्टडी से निकल गए तो ईडी के अधिकारी पीछे पीछे गए वहां। वहां लिखा है, समझाया बुझाया, उनको कहा कि उन्होंने माना गिरफ्तार हैं और स्वेच्छापूर्वक वहां से ईडी की कस्टडी में, ईडी के कार्यालय में गए। और ये जो लिखा है उस पर उनका भी दस्तखत है। ना सिर्फ शिबू सोरेन जी, ना सिर्फ मधु कोड़ा जी, ना सिर्फ बंधु तिर्की जी, बल्कि जो जो कांग्रेस के साथ सटा उसका पूरा राजनीतिक जीवन बर्बाद हो गया। जैसे महोदय बगल के स्टेट में लालू प्रसाद यादव जी को जब सजा हुई, कौन था उस समय सेंट्रल में महोदय, बीजेपी था क्या महोदय? ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल भेजा गया, मुख्यमंत्री थे, कौन था महोदय सेंट्रल में? करुणा निधि को जेल भेजा गया, कौन था उस समय सेंट्रल में? जयललिता को जेल भेजा गया, कौन था सेंट्रल में? YSR रेड्डी के बेटा जगन मोहन रेड्डी को जेल भेजा गया, कौन था उस समय सेंट्रल में? महोदय सारे सवाल का जवाब आएगा। आज तक का लोकतंत्र का सबसे बड़ा पापी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है महोदय, जिसने लोकतंत्र का हत्या करने का काम। प्रस्ताव के बाद विवाद के उत्तर सरकार के ओर से संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम के द्वारा दिया गया है। कल और आज की उनकी भाषणों में सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस और कांग्रेस ही दिखाई दिया। भानु प्रताप जी ने जो बातों को रखने के काम किया है, झारखंड अलग राज्य कैसे बना उसकी इतिहास जो उन्होंने दिया है वो भी पूरी तरह से गलत है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि ये राज जब ये नई राज्य के सृजन हुआ तब अटल जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इसके लिए संघर्ष अगर कोई किया है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने किया है। और उसका उदाहरण हम देना चाहते हैं कि 2000 साल में जब हमारी कॉलिशन की सरकार जब बिहार में थी तो अब हम लोगों ने 11 मंत्री कांग्रेस के थे और हम लोग ने सारा मंत्री पद छोड़कर इस राज्य को बनाने के लिए त्याग और बलिदान दिए और लाल बत्ती छोड़ने के काम किए थे, वो इतिहास सब कोई जानता है, ये बोलते हमने बना। धन्यवाद के प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री विरिंची नारायण और डॉक्टर लंबोदर महतो के संशोधन मत विभाजन के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया और श्री स्टीफन मरांडी के राज्यपाल के अभिभाषण पे धन्यवाद के प्रस्ताव ध्वनि मत से स्वीकृत भेलै। क्या माननीय सदस्य श्री विरिंची नारायण अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं? अनुपस्थित। क्या माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो द्वारा प्रस्तुत संशोधन को जोड़ा जाए, जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। सदस्यगण माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हैं। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आज संसदीय कार्य मंत्री के प्रभारी मंत्री श्री आलमगीर आलम द्वारा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के धारा 3 के प्रावधानों के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग झारखंड सरकार के अधिसूचना संख्या 1130 दिनांक 21/9/2022 द्वारा गठित एक संसदीय न्यायिक आयोग के प्रतिवेदन और इकर पे सभा सचिवालय के कृत कार्यवाही प्रतिवेदन के प्रामाणीकृत एक एक प्रति भी सभा पटल पर रखल थी। प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की धारा 3 उपधारा 4 प्रावधान के आलोक में
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग संसदीय कार्य झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 1130 दिनांक 21/9/2022 द्वारा गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग प्रतिवेदन एवं इस पर सभा सचिवालय का कृत कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। इकर बाद सभा के कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।